वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड वेलकम टू ऑल अबोर्ड। कैसे हैं भाई, क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियरली। आवाज आ रही है मेरी सबको? चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ईएसआईसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन थे, मैंने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट बनाया है, 30 सेकेंड वो अपलोड किया है। रिजल्ट के बारे में आप लोगों को पता होगा, ईएसआईसी यूडीसी प्री का रिजल्ट आ गया है, राइट? सो नाउ देयर विल बी अ कंफर्मेशन दैट हु आर गोइंग टू राइट द एग्जामिनेशन ऑफ या ईएसआईसी यूडीसी मेंस। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट है ना? तो आज भाई अंबेडकर जयंती है। पहली चीज तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर, हु वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी जयंती है आज। तो हैप्पी अंबेडकर जयंती आप लोगों को। सेकंड, टुडे इज महावीर जन्म कल्याण जयंती। सो दोज एवरी स्टूडेंट दोज वर फॉलोइंग जैनिज्म, उन लोगों को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई मेरी तरफ से। ठीक, चलिए आगे मूव करते हैं, सेशन को बढ़ाते हैं आगे। 14th ऑफ अप्रैल का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, 14th ऑफ अप्रैल का डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स का, और विद द मॉर्निंग मोटिवेशन, बी सो बिजी इन इंप्रूविंग योर सेल्फ दैट यू हैव नो टाइम टू क्रिटिसाइज अदर्स। मैं देखता हूं कभी कभी ग्रुप पे कि किसी का एक मैसेज आया तो दूसरा तुरंत फ्री बैठे रहते हैं, मतलब इंटरप्ट करने के लिए टोटली फ्री। मैं लिखने वाला रहता हूँ, गाइज यार प्लीज डू योर वर्क, प्लीज डू योर प्रैक्टिस, यू कैन सॉल्व अ रीजनिंग पजल इन सो मच टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन द डिस्कशन ऑफ यूजलेस थिंग। तो ये क्रिटिसिज्म जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारा फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक तरीका होता है, और फ्रस्ट्रेशन आने का कारण होता है डिससेटिस्फेक्शन। डिससेटिस्फेक्शन इफ वी आर नॉट गिविंग द एफर्ट्स प्रॉपरली, डेफिनेटली डिससेटिस्फेक्शन विल कम। तो एफर्ट्स पे ध्यान दे, नॉट ऑन द क्रिटिसिज्म। ठीक, चलिए आगे चले। होमवर्क, व्हाट इज द पेड अप कैपिटल ऑफ एनपीसीआई, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। करेक्ट आंसर इज 100 करोड़ रुपए। सेकंड था, व्हाट इज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ एनपीसीआई, करेक्ट आंसर इज 300 करोड़ रुपए। थर्ड क्वेश्चन था, हाउ मेनी promoters banks are there in NPCI, so correct answer is 10 promoter banks. So NPCI was started in the year 2008 mein NPCI ki shuruaat hui 2008 by the 10 promoter banks, including after this 10 promoter banks, the stakeholders, the majority of stakeholders are Indian Bank Association plus the Reserve Bank of India as well. So NPCI, National Payment Corporation of India, is a not for profit company, एक not for profit company है, start हुई है 2008 में। Everyone knows that Mr. Bishwa Mohan Mahopatra is the chairperson, Mr. Dilip Asbe is the CEO and Mr. Ritesh Shukla is the CEO of international arm of NPCI। ये हम लोगों ने अब तक कई बार revise किया, discuss किया, अब तक याद हो चुके होंगे ये point। What is the dimension of new 10 rupee note? नए 10 रुपए के नोट का क्या डायमेंशन है? तो करेक्ट आंसर था 63 mm, 123 mm स्क्वायर। ये आपके पास 63 into 123 mm square, दिस इज द साइज ऑफ न्यू 10 रुपी नोट। न्यू 2000 रुपी नोट, नया जो आपका 2000 रुपए का नोट है 66, 166, न्यू 500 रुपी 66, 150 एंड न्यू 50 रुपी 66, 135। तो देखो 66 इन तीनों में कॉमन है, 63 इट इज डिफरेंट इन 10 रुपी नोट। तो आप इस फॉर्मेट में एक बार याद करके देखिएगा, एंड इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस क्वेश्चन गेट रिपीटेड इन द एग्जामिनेशन। ये तो रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ठीक, बाकी नोट अभी देखिए, अगर If you want detail related to the notes in India, what you have to do, simply go in yesterday TNA, open the comment box of Putin uncle. So he knows, I think, better about the Indian currency compared to the currency of Russia. बहुत बढ़िया इनका आंसर आया,
ऑथराइज कैपिटल 300 करोड़, पेड अप कैपिटल 100 करोड़, एनपीसीआई फाउंडेड इन 2008 मुंबई महाराष्ट्र, सीईओ है दिलीप असवे, विश्वमोहन महोपात्रा इज द चेयरपर्सन, प्रमोटर बैंक स्टैन है, ऑल 10 बैंक्स नेम हैज बीन गिवन, आफ्टर दैट नोट्स के ऊपर फुल डिटेल है, 10 रुपी नोट, 63, 123, चॉकलेट ब्राउन कलर है, कोनार्क टेम्पल इस पर डिजाइन प्रिंटेड है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सो यू कैन सिंपली मेक द नोट्स विद द हेल्प ऑफ द कमेंट, राइट। अच्छा है, मैंने चेक कर लिया है, डेटा बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया डेटा है। 20 रुपी नोट, 63, 129, येल्लो ग्रीनिश कलर है, एलोरा केव इस पर एनक्रिप्टेड है, मतलब डिजाइंड है। 50 रुपी न्यू नोट, 66, 135 है, 66, 135 है, फ्लोरोसेंट ब्लू इज द कलर, हम्पी व्हाइट चैरोट इज द डिजाइन ऑन इट। 100 रुपी न्यू नोट, 66, 142, लेवेंडर कलर, एंड दिस क्वेश्चन ऑलरेडी केम इन एग्जाम, बहुत बार आ चुका है ये 100 रुपी वाला, व्हाट इज द कलर ऑफ 100 रुपी नोट, लेवेंडर, रानी की बाव जो है बावड़ी एक्चुअली राजस्थान, दैट इज द डिजाइन ऑन इट। 200 रुपी नोट, 66, 146, ब्राइट येलो कलर है, सांची स्तूप इज स्क्रिप्टेड ऑन इट। 500 रुपी नोट, 66, 150, स्टोन ग्रे रेड फोर्ट, 1000 रुपी अब अवेलेबल नहीं है, वो उन्होंने भी लिखा है मेरे पास अब अवेलेबल नहीं है, ठीक है, किसी के पास होगा तो भाई को एक दे देना, ठीक है, 1000 रुपी का नोट, वैसे अब कोई काम का तो रह नहीं गया है। 2000 रुपी नोट, मैजेंटा, 2000 रुपी नोट, कलर इज मैजेंटा, 66, 166, मंगलयान इज द स्क्रिप्टेड ऑन इट, रानी की नाव गुजरात, सॉरी मैंने शायद आई थिंक राजस्थान बोल दिया था, राजस्थान गुजरात में मैं कंफ्यूज होता रहता हूं एरियाज में, तो गुजरात में लोकेटेड। देखिए भाई, सुरभि प्रिया मैम के आंसर्स आए थे, आंसर सही थे, बिल्कुल बढ़िया थे, राघव सर, स्टडी बेव, प्रथमेश, बहुत बढ़िया आंसर्स। इसके बाद बाकी लोगों के जो आंसर्स आए, जावेद, आसिफ जावेद, अंबर साहू, मोहित, रानी कुमारी, कीतू, रवि कुमार शर्मा जी, सोना तिवारी, स्नेहा, श्रजन, शैलेश अग्रवाल, विराज, एन के, एंड लेट इवनिंग येस्टरडे दोज हुए आंसर, उनके आंसर तो मैं पिक कर नहीं पाया, बिकॉज येस्टरडे इवनिंग ओनली आई जस्ट पिक द ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास सर पॉइंट्स हो गए, 17 आपके पास लैंग्वेजेस होती हैं एक बैंक नोट के ऊपर, 15 लैंग्वेजेस ऑन पैनल एंड 2 लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी, सो टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज जो होती हैं वो आपके पास 17 होती हैं। इफ यू गेट अ क्वेश्चन दैट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर ऑन द रिवर्स साइड और ऑन द पैनल, तो 15 आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। हाँ, मॉर्निंग में आंसर किया होगा ना, इसीलिए मैं नहीं ले पाया, ठीक, कोई बात नहीं, चलता है। चलिए नेक्स्ट है, अगले कल के लिए आपके पास होमवर्क क्या है, हु इज द करंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, करंट इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, करंट रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, करंट डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, करंट फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी, ये आपके पास क्वेश्चन है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द ईएसआईसी एग्जामिनेशन गाइस, स्टैटिक जीके इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा। ईएसआईसी के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ईएसआईसी एग्जाम डेट आ गया है आपका, किसका, एमटीएस का, 7 मई को एग्जाम है एमटीएस का, मल्टीटास्किंग स्टाफ, व्हाइल यूडीसी मेंस का यूडीसी प्री का रिजल्ट आ गया है, सो मेंस डेट विल बी लॉन्च सून, बहुत जल्दी आपके पास एक एग्जैक्ट डेट होगा। ईएसआईसी कोर्सेज आर ऑलरेडी अप ऑन द ऑलिव बोर्ड वेबसाइट, ईएसआईसी के जो कोर्सेज हैं ऑलरेडी अप है ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर, यू गाइस कैन चेक इट। एंड ECGCPO का ये न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है, 874 रुपीज का कोर्स है, एट द कोड ADITYA आदित्य। मैं बहुत सिंपल टर्म में बोलू ना, वट एवर यू आर टेकिंग फ्रॉम द ऑलिव बोर्ड वेबसाइट, वहां पर इफ यू वॉन्ट एडिशनल 5% ऑफ यू कैन यूज दिस कोड, किसी भी प्राइस से और ज्यादा डिस्काउंट आपको 5% चाहिए तो आप आदित्य कोड यूज कर लें, बेस्ट कोर्स होता है सुपर एलिट इन विच ऑल द कोर्सेज आर इंक्लूडेड। ये आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज हैं, फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स दे कैन ऑप्ट फॉर देम, दिस इज द कोर्स फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, कोर्सेज टेस्ट सीरीज वीडियोस आर इंक्लूडेड इनटू इट, यू कैन यूज द कोड आदित्य फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन इट, अच्छा खासा इस पर डिस्काउंट मिल जाता है। चलिए एमसीक्यू रिविजन स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू रिविजन, सचिन बताया मेरे भाई, 20 रुपीज का भी बताया था, अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, एक बार चेक कर लेना।
ठीक है, 63 129। आरबीआई असिस्टेंट मींस कब एक्सपेक्टेड है? थोड़ा सा वेट करो, एग्जैक्ट डेट आने दो, थोड़ा सा वेट करो, एग्जैक्ट डेट आने दो, उसके बाद बताओ। कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गोल्ड इंपोर्ट ऑफ इंडिया एज पर द रिसेंट रिपोर्ट। पॉइंट नंबर वन इज, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा, द इंपोर्ट ऑफ गोल्ड इन इंडिया हैज बीन इंक्रीज बाय 42% टू 46.14 बिलियन अकॉर्डिंग टू अकाउंट ऑफ हायर डिमांड इन द ईयर 21-22। द इंक्रीज ऑफ गोल्ड इंपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड द ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया टू 192 बिलियन। ये इंपॉर्टेंट है डेटा। इंडिया इज द सेकेंड बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर आफ्टर चाइना। तो इसमें आपके पास सेकेंड पॉइंट करेक्ट है सर, पॉइंट नंबर टू इज करेक्ट, पॉइंट नंबर थ्री इज करेक्ट। फर्स्ट में प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद फर्स्ट? 42% से इंक्रीज नहीं हुआ है। द इंपोर्ट हैज इंक्रीज्ड बाय, गोल्ड इंपोर्ट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड बाय 33%। तो 33% याद रखना पड़ेगा डेटा आपको। सो यू हैव टू रिमेंबर टू डेटा हियर। गोल्ड इंपोर्ट ऑफ इंडिया इंक्रीज बाय 33% विद द अमाउंट ऑफ 46.14 बिलियन। 46.14 बिलियन रहा है अमाउंट। लास्ट ईयर इट वॉज 39 बिलियन। लास्ट ईयर 39 बिलियन का इंपोर्ट था, गोल्ड इंपोर्ट 39 बिलियन। एंड दिस ईयर इट इज 46, दिस ईयर इट इज 46.14 बिलियन। तो ये आपके पास अमाउंट हो गया है। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन 2 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भारतीय सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रोजेक्ट के लिए अभी हाल ही में लोन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये जो पैसा है किस राज्य के लिए लिया जा रहा है? करेक्ट आंसर है नागालैंड, या करेक्ट आंसर इज नागालैंड। सो नागालैंड 16 डिस्ट्रिक्ट विल बी कवर्ड इन टू इट। एंड प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग इज फॉर द वेरी बेसिक थिंग्स, वेरी वेरी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, इसके लिए यूज होता है फंड आपका। फॉर द क्या बोलते हैं उसको, सीवेज, सीवेज मैनेजमेंट, इन सारी चीजों के लिए इस फंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्टेड, एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी रेट टू ग्रो एट हाउ मच परसेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 23। तो करेक्ट आंसर है 7.5%, 7.5% इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, 8% इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मनीला फिलीपींस हेडक्वार्टर, मसाद सगुआसा कवा सर इज द प्रेसिडेंट, अशोक लवासा सर इज द वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द G20 न्यूज। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G20 न्यूज। G20 न्यूज, नागालैंड में 15 डिस्ट्रिक्ट ही है नवीन। हाँ भाई, G20। पॉइंट नंबर वन क्या है, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हर्षवर्धन श्रृंगला जी विल टेक ओवर नेक्स्ट मंथ एज द G20 चीफ कोऑर्डिनेटर। नेक्स्ट मंथ एज द G20 चीफ कोऑर्डिनेटर बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल अनाउंस्ड। G20 वॉज इन्फॉर्मड इन द ईयर 1945, इट वॉज फॉर्मड इन द ईयर 1945 विद द एम टू डिस्कसिंग द पॉलिसी इन ऑर्डर टू अचीव इंटरनेशनली सस्टेनेबल सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। थर्ड है आपके पास, इंडिया एज्यूम G20 ऑन 1st of December 2022 फ्रॉम इंडोनेशिया एंड विल कन्वे द G20 लीडरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 23। क्या आंसर होगा सर? ठीक है, 1999 है, ही इज फॉरेन सेक्रेटरी, फर्स्ट इज रॉन्ग, ओनली वन। ओके ठीक, चलो आंसर देख ले। वैसे मैंने कलर गलत किया है, मैं जानता हूं मैंने कलर गलत कर दिया है आज। मैं इवन बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वाज थिंकिंग कि यार एक कलर गलत हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट वन इज रॉन्ग बिकॉज ही इज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेकंड इज रॉन्ग बिकॉज इन 1945 में फॉर्मेशन नहीं हुआ, G20 वॉज फॉर्मड इन द ईयर 1999। ठीक है, सो वी हैव ओनली थर्ड एज द ऑप्शन विच इज नॉट देयर इन द ऑप्शन एक्चुअली। तो ओनली थर्ड होगा यहां पर आपका आंसर। सो दैट इज माय मिस्टेक व्हाइल क्रिएटिंग दीज ऑप्शंस। ये तो सही है, पॉइंट सही है, पॉइंट में कोई गलती नहीं है, दिस डेटा इज करेक्ट। सो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड, आई मेक इट करेक्ट, डोंट वरी। हाँ, सो आंसर हो जाएगा ओनली थ्री। ठीक है,
G20 कब फॉर्म्ड हुआ है आपका? 1999 में फॉर्म हुआ है, 20 मेंबर्स हैं, 19 कंट्रीज, वन इज यूरोपियन यूनियन, जोको विडोडो इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ G20, एंड फ्रॉम द इंडिया साइड द शेरपा ऑफ G20 विल बी मिस्टर पीयूष गोयल। पीयूष गोयल विल बी द मेन पर्सन टू रिप्रेजेंट G20। तो ये हमारे पास G20 रिलेटेड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, विनय मोहन कवत्रा सर इज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। बढ़िया, करेक्ट है शुभम। नेक्स्ट है सर, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवार्डेड विथ वन गोल्ड वन सिल्वर अवार्ड इन 80th स्कॉच स्की समिट इन न्यू दिल्ली। सो करेक्ट आंसर इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज बीन ऑनर्ड विद दिस अवार्ड। BFSI एंड PSU वॉज द थीम ऑफ 2022। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन हैदराबाद, स्टार्टेड इन द ईयर 1958। इट इज अ गवर्नमेंट ओन मिनरल प्रोड्यूसर कंपनी विच इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज इन्वॉल्व इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ आयरन ओर, कॉपर, रॉक, फॉस्फेट एक्सेट्रा। सो मेनली ये माइंस को मेंटेन करने का काम इंडिया में करती है। मिस्टर सुमित देव इज द चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो सुमित देव सर मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन है कंपनी के। ये डिटेल हो गया आपका, ठीक है, ये आपके पास सारा डिटेल हो गया इससे रिलेटेड। चलिए हाँ भाई, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में आएगा। यूडीसी मेंस का डेट, यूडीसी मेंस का डेट आया है कैसा? नहीं, यूडीसी मेंस का डेट नहीं आया अभी। अभी आपका डेट आया है एमटीएस मेंस का, ESIC एमटीएस मेंस का, प्रतीक का हो गया। इसके बाद शुभम बोल रहे हैं BFSI, बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर, ये BFSI का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ, मिनिस्टर ऑफ स्टील राम प्रसाद जी, आई थिंक, नॉट श्योर, चेक करना एक बार, गूगल करना एक बार। माधुरी बोल रही है हमारा हुआ नहीं है यूडीसी क्लियर। अच्छा कोई बात नहीं, आने वाले अगले एग्जाम्स की तैयारी करें। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, नेक्स्ट न्यूज पर मूव करते हैं। विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव द लीगल राइट टू द वाइल्ड एनिमल्स। कौन सा देश विश्व का पहला देश बन गया जिसने जानवरों को कानूनी अधिकार दिए हैं? तो करेक्ट आंसर है इक्वाडोर, करेंसी इज क्यूटो, कैपिटल इज क्यूटो एंड करेंसी इज यूएस डॉलर, यूएस डॉलर। तो इक्वाडोर आपके पास आंसर हो रहा है। यस्टरडे आई टोल्ड यू द कंप्लीट स्टोरी बिहाइंड इट, कि क्या स्टोरी था, क्या हुआ था, हु वॉज दैट मंकी, व्हाट वॉज द नेम ऑफ दैट मंकी, वो सब मैंने आपको कल बताया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द इनॉगरल लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किसको ऑनर किया गया है अभी इनिशियली? सो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑल ऑफ द अबव। मोदी जी अकेले नहीं है, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर आपके पास डिटेल है, पीएम मोदी विल बी इनॉग्रेटेड, पीएम मोदी विल बी ऑनर्ड विद द इनॉग्रल लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड विच इज फॉर्मड इन द मेमोरी ऑफ वेटरन सिंगर लता मंगेशकर जी। सो 24 अप्रैल को अवार्ड दिया जाएगा, 24 अप्रैल को अवार्ड दिया जाएगा। अदर अवार्डीज आर राहुल देश पांडे, राहुल देश पांडे हु विल रिसीव द मास्टर दीनानाथ अवार्ड, बिसाइड्स अदर थ्री, आशा पारेख, जैकी श्रॉफ एंड मुंबई डब्बा वालाज, मुंबई डब्बा वालाज विल बी द अदर अवार्डीज। हाँ तो ये आपके पास अवार्डीज हो गए, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, हु इज नेम्ड एज द आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2022। मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको दिया गया, मतलब किस आईसीसी ने किसको रिकॉग्नाइज किया? आईसीसी रिलेटेड एक और न्यूज आ रहा है आज हम लोगों के पास। तो करेक्ट आंसर है आपके पास बाबर आजम, करेक्ट आंसर है बाबर आजम। सो पाकिस्तान स्किपर है बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया रिचल हैंस, बोथ आर टाइटल्ड विद द आईसीसी मैन्स एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ रिस्पेक्टिवली फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। द लिस्ट ऑफ जैन एंड फेब इज हियर, ऑलवेज ट्राई टू कवर लास्ट 3 मंथ्स। नेक्स्ट है,
Every year, International Day of Human Flight is celebrated on which of the following date? International Day of Human Flight हर साल 12 अप्रैल को celebrate किया जाता है, 12th of April को celebrate किया जाता है. The reason, the first human entered into the space, that was Yuri Gagarin on 12th April 1961. That is why International Day of Human Space in Human Space Flight. Next, 38th Siachen Day observed by the Indian Army on 13th of April. मैंने कल details इसके discuss किए थे. 13th of April 1984 को Operation Meghdoot conduct किया था Indian Army ने to keep Pakistani forces away from the Siachen glacier. Siachen is the highest battlefield in the world, which is under the control of Indian Army. तो सियाचिन जो है वो सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है वर्ल्ड का. ठीक है, याद रखने का पॉइंट है ये, स्टडी जीके में पूछ लेता है. नेक्स्ट है, इंटरनेशनल टर्बन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 13th ऑफ अप्रैल. सो 2022 विल बी एंड मार्क्ड एज 553 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी, ऑल्सो द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी. चलेंगे न्यूज के तरफ, स्टार्ट करेंगे विद द न्यूज नंबर वन. जी हाँ, 13th ऑफ अप्रैल जलियांवाला बाग मैसेकर भी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 13th अप्रैल 1919 को हुआ था. एग्जैक्ट जो आपका डेट है वो है 13th अप्रैल 1919 को हुआ था. और इट वाज वन ऑफ द यू कैन से दैट वर्स्ट ऑर्डर और डिसीजन गिवन बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया एवर इन द हिस्ट्री. सो हिस्ट्री पढ़ोगे आप लोग तो वहां पर आपको जलियांवाला बाग से रिलेटेड काफी बड़े इंसिडेंट्स मिलेंगे. कमिटीज वर फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कमेटी फॉर्म्ड बाय द कांग्रेस, तो बहुत सारी चीजें उसमें इंसिडेंट्स में हुआ था. चलिए अब चलते हैं हम न्यूज की तरफ, आगे की बात करते हैं. न्यूज नंबर वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सीड फाइनेंशियल ईयर 22 एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट ऑफ 96,000 करोड़ रुपए. 96,000 करोड़ का टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने फॉर एसेट मोनेटाइजेशन. लास्ट ईयर टारगेट वॉज 88,000 करोड़ फॉर 21-22, टारगेट वॉज 88,000 करोड़ फॉर 22-23. फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट इज एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट इज 96,000 करोड़ रुपए. सो द सेक्टर विच आर मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन टू द एसेट मोनेटाइजेशन इज रोड पावर एंड मिनरल्स. तो ये आपके पास मेन जो एरियाज हैं जो कि हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की एसेट्स को क्रिएट करने में. एक क्वेश्चन आया था आपका भी रिसेंटली, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. ऑर्गेनाइजेशन नेम इज नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन. इट इज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मंथ ऑफ मार्च 2022. वेरी रीसेंट न्यूज. आपसे क्वेश्चन ये है, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन. ठीक है, पहला है तो दिस ऑर्गेनाइजेशन विल बी वर्किंग टू मोनेटाइज द सरप्लस लैंड बिल्डिंग एसेट्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स गवर्नमेंट एजेंसीज दोज आर शट डाउन विच आर नॉट इन यूज. So it is related to monetization of assets only. That is why I just picked this question. After this, this organization will be working under the Ministry of Corporate Affairs. It will start with the authorized capital of 1000 crore rupee, paid up capital of 150 crore. Aapke paas correct answer tha only first. What is the problem with option number 2? Option number 2 mein problem ye hai, it will be working under the Finance Ministry. फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करने वाला है. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन विल बी वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. थर्ड में प्रॉब्लम है, इट इज नॉट 1000 करोड़, इट विल बी स्टार्टिंग विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5000 करोड़ रुपी एंड 150 करोड़ रुपी इज द पेड अप कैपिटल. तो ये पॉइंट हो गए. सो दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी हेल्पिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मोनेटाइज मोर फंड्स. 96,000 करोड़ रुपी इज द टारगेट ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर. लास्ट ईयर 88,000 था. ठीक है, तो ये आपके पास सर पॉइंट्स आ जाएंगे. व्हाट इज एसेट मोनेटाइजेशन? सिंपल सा पॉइंट है,
government, any property, land, building, vehicles which are in not in use, government is going to give them on rent, government is going to give them on lease, and government will be collecting the funds from there. Ye aapka paas asset monetization ho gaya. Point clear hai? Next news. Agla news. Next one. Bank of Maharashtra will divest. Divest means disinvest 4% stake in India SME Asset Reconstruction Company. So there is a ARC. There is an ARC called India SME ARC. Asset Reconstruction Company, samajhte na? ARCs are the companies, those are buying the bad loans from the Indian financial system. Jo banko se NPA purchase karte hain recovery ke liye at lower cost. Unko ARCs kaha jata hai, Asset Reconstruction Companies kaha jata hai. So, Bank of Maharashtra ka 4% stake jo hai, usko wo disinvest karne ja raha hai. Kisme? India SME ARC mein. So 4% stake will be creating the amount of approximately 3.92 crore rupee. So inko cash mil jayega approximately 3.92 crore rupee. Bas itna hamare liye kafi hai point. Aage chale. So Bank of Maharashtra started in the year 1935. Pune, Maharashtra is the headquarter. Mr. A.S. Rajiv sir, MD and CEO hain. Ek parivar, ek bank. One family, one bank is the tagline of Bank of Maharashtra. So Bank of Maharashtra ka tagline hai. Aage chalte hain sir. National Asset Reconstruction Company is ARC. Yes. National Asset Reconstruction Company is the biggest ARC of India. Sabse badi ARC hai. So it is not like only one ARC we have in India. There are multiple ARCs in India. One of them is National Asset Reconstruction Company. Theek? No, not every ARC will be called bad bank. Har ek ARC ko bad bank nahi kaha ja raha hai. National Asset Reconstruction Company and the combination of India Debt Resolution Company Limited. To wo jo combination ban raha hai na ARC aur AMC ka, usko kaha ja raha hai bad bank. What is the meaning of authorized and paid up capital? This bottle, total capacity to hold the water is authorized capacity. And how much it is holding at present is the paid up. Means 1 liter is the capacity. So 1,000 ml is the authorized capacity of this bottle. This bottle ko authorized capacity ho gaya 1000 ml. At present approximately 400 ml water is there inside. So iska paid up ho gaya 400 ml. Authorized ho gaya 1000 ml. Paid up ho gaya 400 ml. This is the difference between authorized and paid up. Ye haan, to paani to rahega na mere paas hamesha. Theek hai? Point clear, authorized, paid up clear hai. Chalo bhai, inflation ki baat kar lete hain. Mudra sphiti, mehengai. Charon taraf. Petrol prices increased by approximately 11 rupees in India now. CPI based retail inflation increases to 6.95% in March. Highest in the last 17 months. Is tarike ke question hi puche ja rahe hain aajkal paper mein. You will be making ready that CPI inflation rate of March is 6.95%. Aur exam puch lega that CPI inflation rate increases to 6.95%. It is highest in last how many months? So last 17 month mein ye highest inflation rate raha hai. Feb month CPI inflation rate was 6.0%. 6.07%. RBI target was to keep the inflation rate of India was 4 plus minus 2%, right? Means RBI was trying to maintain the inflation at 4, not more than 6, not less than 2. But it is already more than 6. 6.95 matlab almost 7% par pahunch gaya hai. Almost we are at 7%. Means it is going out of the reach of Reserve Bank of India now. So, bahut zyada inflation rate hota, 7% is not the lower interest. It is a very high interest. So, retail inflation, which is retail inflation is measured by CPI, consumer price index. CPI ka jo aapka financial year hota hai, CPI ka jo aapka financial year hota hai, that is calendar year 2012. Ye 2012 calendar year par aapka calculate karta hai. So January inflation rate was, dekho main Jan, Feb aur March ka likh deta hun. Jan, Feb, March.
ये आपके पास साथ में आ जाएंगे। जैन इन्फ्लेशन रेट वॉज 6.01%, ठीक है। फैब का था आपके पास 6.07%, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बट मार्च इज 6.95%, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7% पर आ गया। ये आपके पास लास्ट थ्री मंथ्स का हो गया, ठीक है। चलो आगे चलें, नेक्स्ट है। तो ये रीजंस लिखे होते हैं, रीजंस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि भाई क्यों बढ़ा, और यूजुअली वी नो सी द प्राइसेस ऑफ रिटेल प्रोडक्ट्स विल बी इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट इन द डीजल प्राइसेस। द डीजल प्राइसेस महंगे हुए, इट मींस फ्रूट, वेजिटेबल, एवरीथिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ग्रॉसरी, एवरीथिंग विल बी कॉस्टली बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इज कॉस्टली, सो एवरीथिंग विल बी कॉस्टली, फेयर चार्जेस विल इंक्रीज। तो हर एक चीज महंगी होनी है अगर आपका पेट्रोल डीजल इंक्रीज हुआ है तो। हाँ भाई, कोई डाउट तो नहीं है सर, फिर एमपीसी रेट चेंज क्यों नहीं कर रही प्रियंका? बिकॉज द जीडीपी रेट इज लो, इन्फ्लेशन रेट इज हाई, जीडीपी रेट इज लो। इफ एमपीसी विल डिक्रीज द रेपो रेट, जीडीपी विल गो टू धरातल, गेटिंग माय पॉइंट? सो जीडीपी को भी मेंटेन रखना है ना, इसीलिए अभी तक चेंज नहीं कर रहे हैं रेपो रेट। चलो भाई, अगला पॉइंट है, आई थिंक एवरीवन नोज दिस पर्सन हु इज नेक्स्ट टू मी हियर, जो मेरे साइड में बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे इनको। या जय शाह सर, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ इट्स टाइम। सो नाउ सर हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईसीसी क्रिकेट कमेटी। आईसीसी क्रिकेट कमेटी में रिप्रेजेंटेटिव मेंबर के फॉर्म में इनको अपॉइंट कर दिया गया है सर। सो मिस्टर जय शाह, बीसीसीआई सेक्रेटरी, हैज बीन अपॉइंटेड एज आईसीसी क्रिकेट कमेटी एज द मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव। मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव इनको अपॉइंट किया गया है। व्हाइल एम जयवर्धनी हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द पास्ट प्लेयर रिप्रेजेंटेटिव। तो पास्ट प्लेयर रिप्रेजेंटेटिव एम जयवर्धनी सर को अपॉइंट किया गया है। तो ये आपके पास अपॉइंटमेंट्स हैं। चेयरपर्सन ऑफ आईसीसी इज ग्रेग बार्कली। जियोफ एल्डर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द सीईओ ऑफ आईसीसी। आईसीसी हेडक्वार्टर दुबई, 15 जून 1909 को स्टार्ट हुआ था आईसीसी। और जय शाह सर जो है वो सेक्रेटरी हैं आईसीसी के। एवरीवन नोज द प्रेसिडेंट नेम ऑफ आईसीसी, राइट? प्रेसिडेंट का नाम तो बाकी सारे लोगों को पता है सर यहाँ पर। ये आपके पास न्यूज हो गया, ये कुछ मैंने गलती से यहाँ बीच में डाल दिया है। हाँ हाँ भाई, वही अमित शाह के सुपुत्र हैं ये। शिवानी इज आस्किंग वॉज ही एक्चुअली अ ग्रेट क्रिकेटर सर? और सरकास्म। सो शिवानी, यू कैन चेक ना हाउ मेनी इनिंग्स ही प्लेड, जस्ट चेक द क्रिकेट करियर ऑफ जय शाह, यू विल बी एबल टू फाइंड, है ना? जस्ट ट्राई टू सर्च दैट हाउ मेनी इनिंग्स ही हैज प्लेड। वॉज ही ग्रेटर देन सचिन ऑल्सो? तो एक बार चेक कर लेना। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च्ड स्वनिधि से समृद्धि स्कीम। स्वनिधि, रिमेंबर स्वनिधि, स्वनिधि, स्वनिधि फुल फॉर्म वॉज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इट वॉज द फुल फॉर्म ऑफ स्वनिधि, इट वॉज द फुल फॉर्म ऑफ स्वनिधि। सो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, अंडर दिस गवर्नमेंट वॉज प्रोवाइडिंग लोन अप टू 10,000 रुपी, 10,000 रुपी लोन टू द स्ट्रीट वेंडर्स एट सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस पर जो है सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10,000 रुपी का लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी किसको? स्ट्रीट वेंडर्स को, आफ्टर द COVID-19 लॉकडाउन। सो दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड। नाउ स्वनिधि से समृद्धि, अंडर दिस गवर्नमेंट इज लिंकिंग डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स ऑफ इंडिया टू द स्वनिधि। नाउ हाउ मेनी स्कीम्स आर देयर? द प्रॉब्लम टू यू विल बी यू हैव टू कवर दैट स्कीम्स वन बाय वन। आई विल बी गिविंग यू सम डिटेल रिलेटेड टू द स्कीम इन वर्बली, बट प्रॉपरली यू हैव टू कवर एवरी स्कीम दैट वेन इट वॉज लॉन्च्ड।
मैं भी बात करता हूं उसके बारे में. लेट्स कम बैक टू द पॉइंट फर्स्ट. सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स हैज लॉन्च्ड स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम इन एडिशन टू 126 सिटीज अक्रॉस 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. पीएम स्वनिधि वॉज लॉन्च्ड ऑन 1st June 2020 को इसको लॉन्च किया गया था. इट वॉज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड बजट एलोकेशन वॉज 700 करोड़ रुपी फॉर द पीएम स्वनिधि एंड 10,000 रुपी लोन वॉज प्रोवाइडेड अंडर इट. नॉट करोड़ ना, 10,000 रुपी ओनली. 10,000 रुपी लोन वॉज प्रोवाइडेड अंडर इट टू द स्ट्रीट वेंडर्स. So they can, in the form of working capital, so they can take the loan and they can utilize that money for their working capital. Now PM Swanidhi, in addition to the program, PM Swanidhi launched on 4th of this Swanidhi Se Samriddhi. This one is launched on 4th of Jan 2021. इसको लॉन्च किया गया है 4th of Jan 2021. नाउ दिस स्कीम इज लिंक्ड विद द सेंट्रल 8 वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की 8 वेलफेयर स्कीम्स है जिससे लिंक किया गया है इसको. व्हाट आर दैट स्कीम्स? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. देखो मैं बताते हुए चल रहा हूं. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. Under this scheme, 12 rupees the premium which we have to pay and government provide the risk cover of 2 lakh rupee. 2 lakh rupee ka risk cover hota hai for the accident insurance. Isko link kiya jata hai. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana means free bank account, right? No frill account. Free bank account. Ye open ho raha hai isme aapka Jan Dhan Yojana. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आपके पास कौन सी है? इन दिस गवर्नमेंट प्रॉमिस टू प्रोवाइड 3,000 रुपी. विजिबल है मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है, कैम ऑफ करता हूं. गवर्नमेंट प्रोवाइड 3,000 रुपी. बहुत छोटा लिख दिया, थोड़ा बड़ा कर देता हूं. सो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंडर दिस गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 3,000 रुपी पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट. इसमें पेंशन अनाउंस किया गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. सो गवर्नमेंट प्रोवाइड 3,000 रुपी पेंशन अंडर इट. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. सुरक्षा बीमा योजना मीन्स 330 रुपीज पर ईयर प्रीमियम वी हैव टू पे एंड इट प्रोवाइड द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ 2 lakh rupees. So, जीवन ज्योति बीमा योजना इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज फॉर द लाइफ इंश्योरेंस. ये डिफरेंस आ गया इसमें आपके पास, ठीक है. इसके बाद आ रहा है अगला आपके पास, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अंडर विच गवर्नमेंट प्रोवाइड 5 kg फ्री राशन टू द बीपीएल पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन. इसके बाद है वन नेशन वन राशन कार्ड. That in India, anywhere you can use your ration card, one ration card will be able to work at every place. Janani Suraksha Yojana. Under this, government provide the benefit of providing nutritional products or dalia and all to the pregnant women. Those are unable to buy. Even those are able to buy. Ye government without any means discrimination distribute karte hain. In every place in India, हर जगह पर क्या होता है that there are few centers, those are located nearby your ward. In that ward, the state government with the support of central government under this Janani Suraksha Yojana provide the nutritional food to the pregnant women. So their kid will not be फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन. तो ये इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था सुरक्षा को, जननी सुरक्षा को. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंडर दिस गवर्नमेंट प्रोवाइड 5,000 रुपी कैश. 5,000 रुपी कैश टू द प्रेग्नेंट वुमेन्स फॉर द डिलीवरी सपोर्ट, दैट डिलीवरी सपोर्ट कैश. तो 5,000 रुपी का इसमें कैश प्रोवाइड किया जाता है. सर सीधा कमेंट, हाँ अब देख रहा हूं, अभी देख रहा हूं भाई, अभी देख रहा हूं. अभी तक मैं इसी में लगा हुआ था. अभी बताओ कोई चीज गलती करी क्या?
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 330 है, करेक्ट है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो आपका 12 रुपीज वाला है, ठीक है। 12 रुपीज ही तो बोला था, 2 लाख का वो है प्रधानमंत्री। अच्छा उल्टा बोल दिया, ओ सॉरी 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 सॉरी, जीवन वाला लाइफ है, ऑपोजिट बोल दिया, ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट। जीवन वाला लाइफ इंश्योरेंस है एंड सुरक्षा वाला इज एक्सीडेंट इंश्योरेंस। जीवन मींस लाइफ, यही तो हमने ट्रिक निकाली थी। सो इट इज लाइफ इंश्योरेंस, 330 रुपीज वाला दिस स्कीम एंड 12 रुपी वाला इज दिस स्कीम विच इज एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अभी ठीक? हाँ भाई अभी ठीक है। तो ये आपके पास सारी सारी स्कीम्स हो गई, सारी स्कीम्स हो गई यहां पर। प्रधानमंत्री हाँ, उसको जो है फूड वाला आपका, इसको एक्सटेंड किया गया टिल सितंबर, टिल सितंबर एक्सटेंड किया गया है। चलो आगे चलते हैं। तो गाइज आई वुड सजेस्ट यू व्हेन एवर यू गेट टाइम रीड आउट दीज स्कीम्स इन डिटेल एटलीस्ट वंस, क्योंकि जो स्कीम्स आपकी न्यूज में आई हैं उसके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट होना डेफिनेटली चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जामिनेशन में, उसके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट होने के चांसेस बहुत बन जाते हैं एग्जाम। नेक्स्ट इज बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोलॉबरेटेड विद द माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट टू सेटअप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो माइक्रोसॉफ्ट एंड बीपीसीएल केम इन टू द स्ट्रेटेजिक क्लाउड पार्टनरशिप टू स्पीड अप द डिजिटल फॉर्मेशन ऑफ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इन इंडिया। दे विल द प्रोजेक्ट विल बी कॉल्ड प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अनुभव, प्रोजेक्ट अनुभव, अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस। सो प्रोजेक्ट अनुभव विल बी द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर विच दे विल बी टारगेटिंग फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ गैस एंड ऑयल इंडस्ट्री इन इंडिया। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं, आई डोंट नो व्हाट यू गाइज हैव प्लान टुडे एट 10:30। आज आपका 10:30 AM पर क्या प्लान है? सो 10:30 to 11:30 टुडे आई एम गोइंग टू टेक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एमसीक्यूज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एमसीक्यूज ऑफ मार्च 2022। मार्च 2022 के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एमसीक्यूज में लूंगा आज 10:30 to 11:30 यूट्यूब पर। याद रखेंगे टाइमिंग 10:30 to 11:30 ऑन यूट्यूब, आई विल बी लाइव विद द मार्च मंथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एमसीक्यूज। काफी इंपॉर्टेंट होंगे। इफ यू आर गोइंग टू राइट ECGCPO, सेबी एग्जामिनेशन, ESIC एग्जामिनेशन, RBI असिस्टेंट, इन सारे एग्जामिनेशन के लिए दिस विल बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। हाँ सोना बाबू का टाइम अगर होगा तो उनको इन्फॉर्म करिएगा दैट यू विल बी मीटिंग आफ्टर 11:30 इंस्टेड ऑफ 10:30, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग ऑन लीव टुमारो, कल मैं जा रहा हूं छुट्टी पर, दैट इज वाई मार्च कंप्लीट करवा कर जा रहा हूं। योर TNA विल बी कंटिन्यू, इट विल नॉट स्टॉप अंटिल आई एम नॉट कमिंग बैक। तो पहले पूरी बात सुन लेना, TNA विल बी कंटिन्यू, इट विल बी टेकन बाय शीतल मैम। सो शी विल बी टेकिंग करंट अफेयर्स इन हर वे, शी विल बी प्रोवाइडिंग यू PDF ऑल्सो पैरेलली। माई PDF द इन माई वे, लाइक आई एम क्रिएटिंग द TNA इन दैट वे, आई विल क्रिएट माई TNA एंड आई विल ऑल्सो शेयर द PDF विथ यू गाइज। सो टू सेपरेट PDF यू विल गेट, वन द लाइव सेशन विच यू आर अटेंडिंग विथ शीतल मैम इन TNA अंटिल आई एम नॉट कमिंग बैक। सेकेंड द PDF विच आई विल मेक ऑन अ डेली बेसिस, मैं डेली PDF बनाऊंगा और डेली शेयर करूंगा आपके साथ। सो यू विल नॉट लूज द लिंक ऑफ कंटेंट ऑफ TNA, आपका जो TNA का जो कंटेंट है उसका लिंक टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये दो चीजें हम करेंगे। सर माने जा रहे हैं, हाँ। सो आई विल बी नॉट देयर फॉर अप्रोक्सीमेटली 3-4 डेज। आप मान लें कि हो सकता है पूरा वीक अवेलेबल ना रहूं मैं, बट योर क्लासेस विल बी कंटिन्यू, PDF विल बी शेयर्ड रेगुलरली। PDF सेम टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है GA जीनियस, ठीक है। तो कंटिन्यू रहना, करंट अफेयर्स अपडेट करते रहना अंटिल आई एम नॉट कमिंग बैक। व्हेन आई विल कम बैक विल डू द रिवीजन, तो जब मैं वापस आ जाऊंगा उसके बाद हम वापस से रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गोइंग टू MP, MP नहीं जा रहा हूं मैं, आई विल बी इन मुंबई फॉर 2 डेज इफ एनी वन वॉन्ट टू मीट मी। मुंबई में रहूंगा 2 दिन, सैटरडे संडे, एंड आफ्टर दैट आई विल बी इन पुणे फॉर 2-3 डेज। सो मुंबई और पुणे हूं मैं कुछ दिन के लिए।
नो इश्यूज, आई विल बी डेली प्रोवाइडिंग माई पीडीएफ, सो यू गाइज कैन गो थ्रू विद द पीडीएफ ऑन अ डेली बेसिस. डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ माइन, गो थ्रू विद द पीडीएफ ऑफ डेली बेसिस. Once I'll come back, we'll revise the news. So it will not be the loss of your current affairs because daily on time you will get your PDF. आपको आपका PDF daily मिल जाएगा. ठीक है? हाँ. Point clear है? पुणे में कहाँ? That I have to check the address actually. वो मेरे को देखना पड़ेगा कि कहाँ जाना है पुणे. ठीक है? अभी अच्छे से पता नहीं है. चलिए सर. So BPCL, Bharat Petroleum Corporation Limited has collaborated with Bhabha Atomic Research Center for alkaline electrolytes, that is green hydrogen create करने के लिए. BPCL launched automated fuel technology called U-Fill, जो movies में देखते हैं ना, just pay your amount and fill the petrol without anyone, no one is there. You have to fill the petrol by your own and pay the amount. BPCL SBI card collaborated to launch BPCL SBI card co-branded credit card. BPCL launched a pilot basis called Urja. इन्होंने Urja भी लॉन्च किया था, एक Urja platform भी लॉन्च किया था. ठीक है, Urja platform लॉन्च किया था for the AI chatbot platform, which was the AI chatbot platform for the customer's better experience. Recent point, BPCL became the first petroleum company in India to launch the cylinder booking facility online for the कौन सा फोन बोलते हैं उसको, which phone it is called, non-smartphones जो होते हैं ना आपके, non-smartphones जो होते हैं, normal phone, keypad वाला phone, on for that phone customer facility on UPI 123 पे, right? UPI 123 पे ऑफलाइन फीचर फोन. दीपेंद्र सिंह, कितने दिन तक क्लास नहीं होगी? क्लास डेली होगी, वही मैं बता रहा हूं, क्लास डेली होगी, क्लास बंद नहीं होगी, समझिए बात को. टीएनए विल बी रेगुलर, टीएनए बंद नहीं कर रहा हूं. मोस्ट प्रोबेबली फॉर टुमारो इट इज नॉट श्योर, सो मोस्ट प्रोबेबली कल ना हो, बट फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड इट विल स्टार्ट, इट विल कंटिन्यू. सो टीएनए विल बी रेगुलर, टीएनए विल बी डेली, इट विल बी कंडक्टेड. टीएनए बंद नहीं करेंगे, जस्ट इंस्टेड ऑफ मी शी विल बी टेकिंग फॉर फ्यू डेज. ठीक है, अंटिल आई एम नॉट कमिंग बैक. इन एडिशन टू दैट आई विल गिव माई ओन पीडीएफ विच आई एम क्रिएटिंग ऑन अ डेली बेसिस, लाइक द सेम पीडीएफ यू आर अटेंडिंग द क्लास नाउ, दिस पीडीएफ आई विल बी प्रोवाइडिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो आपका कहीं पर भी लॉस नहीं होगा. ठीक है, एंड आई विल बी लिटिल बिट फ्री ऑल्सो इन बिटवीन. तो टेलीग्राम पर आप लोग कंटिन्यू मुझसे डाउट पूछते रहें, कनेक्ट होते रहें, देयर इज नो इश्यू. ओके, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट फ्राइडे तक वापस आ जाऊंगा. दिस फ्राइडे आई विल बी लीविंग, नेक्स्ट फ्राइडे तक वापस आ जाऊंगा. क्लास टाइमिंग विल बी 8 AM, अदरवाइज 9 AM. 8 AM या 9 AM क्लास टाइमिंग रहेगा. ठीक है, दैट आई विल कंफर्म. चलो भाई आगे चले. यस, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश बट राइट नाउ गोइंग टू महाराष्ट्र. चलो भाई वापस आ जाओ, न्यूज पर खत्म कर लेते हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया कंडक्ट्स सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉल्ड हेलिना. हेलिना इज द नेम ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. दिस मिसाइल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय Defense Research Development Laboratory, Hyderabad. इन्होंने बनाया है. It is one of the most advanced anti-tank weapon missile in the world. So it is a most advanced anti-tank guided missile है. 11th of April को इसका final test complete किया गया. And it the flight trial conducted by advanced light helicopters. So it can be fired from the helicopters. This is the advantage of this missile. Guided missile है. Guided missile means you can give the target. आप एक target दे दो and it will hit the target properly. तो ये guided missiles होती हैं. So this is the news. ठीक है. United Nation Development Program partnered with Adaption Innovation Market have approved 2.2 million climate action grant. ये important amount important है. 2.2 million
क्लाइमेट एक्शन ग्रांट फॉर 22 लोकल इनोवेटर्स ऑफ 19 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्या मीनिंग क्या है सर इसका। मीनिंग इज नेट जीरो कार्बन इमिशन, बस नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय द ईयर 2070। नाउ व्हाट टू डू फॉर नेट जीरो कार्बन इमिशन, द आइडियाज रिलेटेड टू दैट, द आइडियाज रिलेटेड टू दैट इज कॉल्ड एडेप्शन फंड क्लाइमेट इनोवेशन एक्सीलरेटर। सो दिस एक्सीलरेटर इज एक्चुअली द आइडियाज रिलेटेड टू हाउ द कंट्रीज आर गोइंग टू एडॉप्ट नेट जीरो कार्बन इमिशन, क्लाइमेट एक्शन, आप बोल सकते हो एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, ये जो बड़े बड़े हैवी हैवी से वर्ड्स हैं। अकॉर्डिंग टू द पेरिस एग्रीमेंट फाइनल मोटिव विल बी नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय द ईयर 2070। सो आइडियाज इंप्रूव करने के लिए 2.2 मिलियन का भी फंडिंग किया है। दिस फंडिंग विल बी यूटिलाइज्ड बाय द कंट्रीज, हाउ मेनी कंट्रीज, 19 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, दे विल बी यूटिलाइजिंग दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट विल बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द न्यू आइडियाज, न्यू टाइप ऑफ इनोवेशंस इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट एक्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट न्यूज डिस्कस कर रहे हैं। HAL साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद द नाइजीरियन आर्मी फॉर फेज टू ट्रेनिंग ऑफ चेतक हेलीकॉप्टर। तो HAL ट्रेनिंग दे रहा है नाइजीरियन आर्मी को चेतक हेलीकॉप्टर चलाने के लिए। दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय HAL। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग हैज बीन ऑलरेडी डन लास्ट ईयर। सो दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ ट्रेनिंग कंडक्टेड फॉर फ्लाइंग द चेतक हेलीकॉप्टर। इट विल बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2022। इट विल बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2022। नाइजीरिया, इट इज अ वेस्ट, इट इज अ अफ्रीकन कंट्री, इट इज अ अफ्रीकन कंट्री। कैपिटल इज अबूजा एंड नेरा इज द करेंसी, नाइजीरियन नेरा इज द करेंसी। तो ये आपके पास कैपिटल करेंसी हो गए। HAL 1940 में स्टार्ट हुआ, बेंगलुरु कर्नाटका हेडक्वार्टर है, आर माधवन सर इज द हेड ऑफ HAL एट प्रेजेंट। चलिए तो ये आपके पास सर पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक है, चलो ये पॉइंट डिस्कस कर लिए हमने। कुछ और आपके इंपॉर्टेंट डेज वाले न्यूज होंगे, उनको देख लीजिएगा आप लोग। विल बी मीटिंग बैक एट 10:30, वापस मिलेंगे अभी 10:30 पर। गाइस डू नॉट फॉरगेट, 10:30 विल बी द एमसीक्यू सेशन। मार्च मंथ फाइनेंशियल एमसीक्यूज विल कंप्लीट टुडे 10:30 to 11:30। सो ज्वाइन इट एट एग्जैक्टली 10:30, डू नॉट मिस द सेशन। आई विल बी मीटिंग यू देयर। टिल द टाइम कीप वॉचिंग ऑल इट बोर्ड। जय हिंद।